Hi, I'm Umang Goyal, and I studied at Scholars Den from 2017 to 2018. The results speak for themselves. Rank in JEE Advanced went from 22,000 before dropout, and went directly to 1453. And post that, I joined IIT Bombay as a BTech in Aerospace Engineering. I just graduated in 2022, and now I'm working as a management trainee at TSP Investment Managers. मेरा dropout का main reason ये रहा था कि मैंने coaching कभी करी नहीं थी before 12th, 12th के साथ भी. तो it is kind of an experiment to see how much you can do, how further you can go. तो एक experiment कह सकते हैं ऐसे कि आप अपनी limits test करते हैं कि आप कितना ज़्यादा करेंगे. It is a test of mental strength, it is a test of consistency. एक साल लगातार कोचिंग जाना एंड रोज़ कंटिन्यूसली पढ़ाई करना, वीकेंड्स पर ब्रेक्स ना लेना. इट इज़ एन एक्सपीरियंस दैट एवरीवन कैन चेरिश फॉर लाइफ. एंड ड्रॉप आउट से रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ये एविडेंस के साथ कह सकते हैं, विद एग्जांपल्स कह सकते हैं. माय रिजल्ट वेंट टू 1453 फ्रॉम 22,000. ये थोड़ा अनइमेजिनेबल सिनेरियो लगता है पहले एट फर्स्ट ग्लैंस, इतना सोचते नहीं कि इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा एक सिंगल ईयर में. आफ्टर ऑल एक वो माइंड में थॉट रहता है कि अभी भी प्रिपेयर तो करा ही था, तो एक साल में कितना फ़र्क पड़ेगा. बट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हेन यू आर स्टडिंग ड्यूरिंग 12th. 12th में स्कूल जाते हैं लोग, साथ में पढ़ाई करनी पड़ती है. 12th का थोड़ा टेंशन होता है, बोर्ड्स का प्रेशर होता है, कंटिन्यूसली रहता ही है. और काफ़ी लोगों के पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, नॉट पर्सनल. बट ड्यूरिंग ड्रॉप आउट बैच, जब ड्रॉप आउट बैच में होते हैं तो केवल एक टेंशन होती है, एंड दैट इज़ क्लियरिंग दी जेई एग्ज़ाम. और वो काफ़ी फोकस वाली चीज़ है, जिससे अपना आप एक फोकस डेवलप होता है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम के चक्कर में आपको केवल एक ही एग्ज़ाम पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है इनिशियली, एंड उसके रिजल्ट्स दिखते हैं. प्रिपरेशन की बात करते हैं कि IIT के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं, स्पेशली ड्रॉप आउट ईयर में. एक साल होता है अराउंड 8 months ऑफ कोचिंग बिफोर यू हैव टू गिव योर JEE मेंस फाइनल. एंड ड्यूरिंग दैट आपको 2 साल का पढ़ना होता है. डिफरेंस ये रहता है कि आपने एक बार पहले एटलीस्ट एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ रखा है, तो सेकेंड टाइम में आप उसे काफ़ी जल्दी ग्रास्प करते हैं, और इतनी अच्छी स्पीड होती है कि आपको 2 महीने रिवाइज करने के लिए मिलते हैं मैनी केसेस. लगातार आप प्रैक्टिस टेस्ट देते हो फॉर मंथ्स, एंड उन प्रैक्टिस टेस्ट में आपको एक आदत पड़ जाती है. इट इज़ यू डेवलप अ हैबिट कि आप एग्ज़ाम दोगे और रिजल्ट आपका आएगा. मतलब कंटिन्यूस आपको पता चलता रहता है, आप सेल्फ एवेल्युएट करते हैं कि आपको कैसा रिजल्ट आएगा. पढ़ने के लिए मैं अपना पर्सनली बताऊँगा कि फिज़िक्स बहुत अच्छी लगती थी मुझे, केमिस्ट्री सोचो, केमिस्ट्री किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे भी अच्छी नहीं लगी. फिज़िक्स आई लव्ड इट. 12th क्लास की फिज़िक्स, 11th क्लास की फिज़िक्स, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स एवर रेड. मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर था मैं, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे फोकस करता था. कैलकुलस आज की डेट में भी अच्छी नहीं आती, बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रॉबिबिलिटी, वैक्टर्स, मेट्रसेस एंड 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दीज आर टॉपिक्स वेर आई फोकस्ड. सो क्योंकि मुझे इन टॉपिक्स में काफ़ी कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने इन्हें लगातार डेवलप करा, काफ़ी इन्हीं पर फोकस करा. तो टारगेटेड स्टडी टू इंक्रीज माय एफिशिएंसी. बिसाइड्स दैट फिज़िक्स में इंटरेस्ट था, तो इसलिए उसको सबसे ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी समझा, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट पहले से आता है उसको अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसके हाई लेवल क्वेश्चंस भी आराम से होते हैं. मीनवाइल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट, पता ही है सब, एट दिस पॉइंट सबको पता है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप कितना भी पढ़ो आपको नए नए चीज़ें मिलती रहती हैं, एंड एट सम स्टेज आप उसमें स्कोर करना सीख जाते हो. एंड वंस यू स्टार्ट स्कोरिंग इन केमिस्ट्री, यू नेवर गो बैक. आपका एक बार आप NCERT पढ़ लो 3-4 बार, उसके बाद ऐसा होता है कि आप स्कोर करते रहोगे, एंड इट बिकम्स अ हैबिट अगेन. तो केमिस्ट्री में हमेशा स्कोर करना, फिज़िक्स में हमेशा अच्छे स्कोर करना, और मैथ्स में डिसेंट मार्क्स लाके ऐसा एक स्ट्रैटेजी बनती है.
मेरी एक स्ट्रैटेजी थी। ऐसे ही हर इंसान जब कोचिंग करता है ड्रॉप आउट ईयर में स्पेशली, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेके आता है, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाता है कि वो नेक्स्ट टाइम कैसे एग्जैक्टली क्रैक कर सकता है। बिकॉज दिस इज़ वन एडवांटेज आई से दैट जो ट्वेल्थ में हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, वो उनके पास नहीं होती। तो दिस इज़ एन एडवांटेज। अनदर एडवांटेज यू हैव एज अ ड्रॉप आउट इज़ कि आपने एग्ज़ाम्स एक्सपीरियंस कर रखे होते हैं, तो जनरली आप कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए बैठे होते हो। सो इफ़ यू हैव गिवन जेई मेंस वंस, द सेकेंड टाइम इज़ अ लॉट ईजियर, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपने पहले दे रखा है, क्योंकि सैम्पल पेपर्स एंड रियल पेपर मेक्स अ डिफरेंस। तो अगर आपने एक बार रियल पेपर दिया है तो इट्स अ ह्यूज एडवांटेज। टॉकिंग अबाउट ड्रॉप आउट से कितना लॉस होता है एक पर्सनल लाइफ में, हमेशा जब भी ड्रॉप आउट चूज़ करने का ऑप्शन सामने आता है और जब वो इवेंचुअली डिसीजन लेना होता है कि ड्रॉप करें या ना करें, तो एक माइंड में रहता है कि यू आर वेस्टिंग वन ईयर ऑफ योर लाइफ। एंड आप काफ़ी लोगों से एडवाइस लेते हैं कि इज़ इट वर्थ इट, अगर आप ड्रॉप आउट करोगे एट दी एंड अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। सो दिस इज़ समथिंग आई आस्क्ड फ्रॉम मैनी टीचर्स सीनियर्स, एंड काफ़ी लोगों ने एडवाइस दी। इन जनरल एडवाइस अगर कहें तो इन जनरल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन टीचर्स से एडवाइस ली तो उन्होंने जनरली यही कहा कि अगर आपको रिज़ल्ट लगता है कि आएगा, इफ़ यू थिंक यू कैन वर्क हार्ड, तो इट इज़ रियली रिवॉर्डिंग। एंड दिस इज़ फ्रॉम स्कूल टीचर्स, दिस इज़ फ्रॉम पर्सनल मेंटर्स बिसाइड्स कोचिंग एज वेल। तो उसको फिर बाद में एक्सपीरियंस करा, तो इन जनरल कोचिंग स्टार्ट करते हुए यू गेट इन टू रेगुलर स्केड्यूल। तो स्टार्ट होने पे, मतलब एक तरीके से स्टार्ट होने से पहले डर लगता है। वंस यू स्टार्ट, एक बार कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, आप पढ़ना शुरू करते हैं, आप साइकिल में चलते हैं, आप सिलेबस शुरू करते हैं, आपको पता चलना बंद हो जाएगा विद इन अ मंथ और टू मंथ्स कि आपने ड्रॉप करा है। इट डजेंट फील दैट बैड एनीमोर, क्योंकि आपको एट दिस स्टेज पता होता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। बिकॉज कोचिंग इन द एंड इज़ नॉट कॉम्पिटिशन अमंगस्ट योर सेल्फ्स, अमंगस्ट योर फ्रेंड्स। कोचिंग जेई जो कॉम्पिटिशन है वो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन है, आपके आसपास बैठे हुए लोग आपके कॉम्पिटिशन नहीं, आपके सपोर्टर्स होते हैं। कुड से बोथ, राइवल्स भी होते हैं, सपोर्टर्स भी होते हैं, बट नॉनदलेस उससे आपको सपोर्ट मिलता है। एंड सब साथ में बैठ के पढ़ते हैं इन जनरल, तो जैसे कोचिंग में स्टडी रूम होता है तो सब लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं, तो इट्स अ नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पर आप पढ़ पाओगे। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहले नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन कोचिंग में आकर एंड ड्रॉप आउट करके उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एंड इट गिव्स अ ग्रेट रिज़ल्ट। उसके बाद एक काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन आता है दिमाग में कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर ड्रॉप आउट करके सेलेक्ट हो भी गए तो आपके हमेशा एक रेज्यूमे में लिखा रहेगा कि आपने एक साल ड्रॉप करा था, आपके आपको सबको दिखेगा कि आपने ट्वेल्थ पास कराए एक साल में, और फिर आपने एक साल ब्रेक लेने के बाद इंजीनियरिंग या फिर कोई भी अपनी ग्रेजुएशन शुरू करी है। तो उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एज़ फार एज़ रिक्रूटमेंट इज़ कंसर्न, अगर आप जॉब के बारे में सोचते हैं तो उसमें लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ड्रॉप करा है या नहीं। व्हाट दे रियली केयर अबाउट दिस कि आपने क्या करा है एग्जैक्टली, क्या ग्रेजुएशन करा है आपने। अगर आप एक IIT से ग्रेजुएट होते हैं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एक साल ड्रॉप करा, बिकॉज यू कैन स्ट्रेट अवे रिप्लाई कि जो मैंने एक साल ड्रॉप करा उसका रिजल्ट है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स बिकॉज आई ड्रॉप वन ईयर। एंड आप उसमें अपनी पर्सनल ग्रोथ दिखा सकते हो इवन इफ समवन आस्क्स। बिसाइड्स दैट, अगर और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि बेटर कॉलेज से ड्रॉप आउट से जो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे उनसे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, सो अच्छे कॉलेज में जाने का मतलब है अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप सच में पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप जॉब्स के अलावा भी सोचते हैं, तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आर बेटर इन गुड कॉलेजेस, इट्स अ फैक्ट। तो अगर आप
वो करना चाहेंगे तो भी आपको एक अच्छे कॉलेज में जाने से फ़ायदा होगा। मैं ये कहना चाहूँगा इसके अलावा कि IIT लाइफ इज़ वन ऑफ द बेस्ट यू कैन एक्सपीरियंस, तो इट्स एन ऑलराउंड डेवलपमेंट। IIT में जाने के बाद एक तरीके से आप हॉस्टल लाइफ हमेशा एक्सपीरियंस करते ही हैं, हर जगह हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन एक फैसिलिटीज़ आपको जो IIT में मिलती हैं दे आर ऑन पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको बेस्ट कोर्ट्स मिलेंगे, बेस्ट स्विमिंग पूल्स मिलेंगे, जो भी आपको जो आपको खेलना है उसकी बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी, बेस्ट कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे। आपको रिसर्च करनी है तो आपको इंडिया की बेस्ट रिसर्च फैसिलिटीज़ मिलेंगी। रिसेंटली अभी 5G नेटवर्क के बारे में सुना होगा लोगों ने कि 5G टेस्ट बेड्स बन रहे हैं, तो वो भी IITs में सेटअप हो रहा है, नहीं तो IITs खुद सेटअप कर रहे हैं। तो आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अगर आप IIT जाते हैं, तो यू सी द डिफरेंस। आप किसी भी चीज़ में रिसर्च कर सकते हैं। लोग यहाँ पर मेटलर्जी में आते हैं और फिजिक्स में रिसर्च करते हैं, नो वन केयर्स। तो एक बार आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं, एट दैट पॉइंट आपका एक स्टैंडर्ड बनता है, पीपल बिलीव इन यू, इट इज़ अ प्लेस वेयर सीनियर्स बिलीव इन यू, इट इज़ अ प्लेस वेयर प्रोफेसर्स बिलीव इन यू, वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप कर लोगे। तो अगर आप कुछ भी चाहते हो करना तो दे सपोर्ट यू। अगर आप IIT में इंजीनियरिंग बैच में जाकर साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोकता। आप साइकोलॉजी इतनी पढ़ सकते हैं कि आप साइकोलॉजी में MS कर सकते हैं लेटर। इसी तरीके से लोग कॉलेज से स्टार्टअप्स करते हैं, तो उसमें कॉलेज का काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि एक तो आपको अच्छे सीनियर्स मिलते हैं, एक आपको अच्छा एलुमनाई बेस मिलता है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, एंड उसके अलावा आपको कॉलेज का खुद का सपोर्ट रहता है टू डू समथिंग न्यू। इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि ड्रॉप आउट करना एक अच्छा ऑप्शन है, आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रिजल्ट्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास सपोर्ट कम रहेगा इसलिए अपने पुराने रिजल्ट से डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। एंड बिसाइड्स दैट मेरा एक्सपीरियंस ड्रॉप आउट का सक्सेसफुल रहा।